बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। आरएनए न्यूज के साथ मैं हूँ मोमना शहबाज। हेडलाइंस आप जाने, मजीद बढ़ते हैं खबरों की तफसीलात की जानिब। खबर शामिल करते हैं सखर से, जहाँ पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून डिस्ट्रिक्ट सखर के सदर खुर्शीद अहमद मेहरानी ने ऑल पार्टीज के वफद के साथ SSP इरफान समू से सखर के अमन अमान के हवाले से मुलाकात की। इस मौके पर सुन्नी तहरीक सखर के रहनुमा महबूब सेठू, पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून सिंध के नायब सदर मोहतरम अली शेर महर, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के दवा खान जिसकम के रहनुमा गुलाम नबी गांगरू, सिंध यूथ एक्शन कमेटी के माजर डनोर, इन्फॉर्मेशन सिक्योरिटी गुल हसन खोसू, मीडिया कोआर्डिनेटर सखर डिवीजन अब्दुल फातह अबड़ू और दीगर अहदेदारान भी मौजूद थे। छरी मीरबा वफाकी सरकार की तरफ से अद्वियात पर ज्यादा टैक्स लागू करने वाले अमल के खिलाफ मेडिकल स्टोर एसोसिएशन की कॉल पर शहर में मेडिकल स्टोर बंद करके प्रेस क्लब के सामने एहतजाज किया गया। इस मौके पर मुजाहिरीन ने बताया कि वफाकी सरकार की तरफ से जान बचाने वाली अद्वियात पर इजाफी टैक्स लागू करके अवाम की कमर तोड़ दी है, जिसकी वजह से अद्वियात फरोख करने में मसाइल पेश आ रहे हैं। मुजाहिरीन ने आला हुकाम से मुतालबा किया है कि ज्यादा टैक्स वाला फैसला वापस लिया जाए। खबर शामिल करते हैं कबीरवाला से, जहां THQ अस्पताल से डॉक्टर और ड्यूटी पर मौजूद अमला गायब, मरीज दर बदर होने लगे। THQ कबीरवाला अस्पताल में डॉक्टर और अमला ड्यूटी से गायब, मरीजों की आह पुकार, इमरजेंसी की सूरत में डॉक्टर साहबान और अमला अपने कमरों में आराम करते नजर आ रहे हैं। एहतजाज पर मरीजों के साथ डॉक्टरों का नारवा सलूक, शहरियों का शदीद एहतजाज, DC खानेवाल से कार्रवाई का मुतालबा कर दिया। खानेवाल डिप्टी कमिश्नर आगा जहीर आबाद शराजी की जेर सरप्रस्ती जिला में खिदमत आपकी दहलीज पर प्रोग्राम के तहत शजरकारी मुहिम जारी है और तमाम महकमे मुकर्रर अहदाफ के हसूल के लिए कोशिश हैं। जिला में अब तक रवां हफ्ता 4,136 सरगर्मियां पोर्टल पर अपलोड हो गई हैं, जबकि ऐप पर मसूल होने वाली 99 शिकायत में से 78 शिकायत का अजाला कर दिया गया है। 19 पर काम जारी है, जबकि 2 शिकायत गैर मुतलका निकली। डिप्टी कमिश्नर ने कहा कि शजरकारी मुहिम में शहरियों की शमूलियत भी यकीनी बनाई जाएगी, इसके साथ मामूल की सफाई का काम भी लोकल गवर्नमेंट की जानिब से रोजाना की बुनियाद पर किया जा रहा है। पाकिस्तान भर की तरह जेलम में भी 1500 डर्गिस्ट और फार्मा एसोसिएशन की जानिब से जुजवी हड़ताल का इनेकाद किया गया। एहतजाज के शुरका का कहना था कि गरीब आवाम पर अद्वियात कीमत में लगाया गया टैक्स नामंजूर है। ऑल पाकिस्तान डर्गिस्ट एसोसिएशन और फार्मास्ट की जानिब से जुजवी हड़ताल की गई। एहतजाज में शरीक अफराद का कहना है कि गलत फैसला है और अगर हमारे मुतालबे को पूरा न किया गया तो 19 जुलाई को गैर मुइना मुद्दत के लिए हड़ताल का ऐलान कर दिया जाएगा। एडवांस टैक्स मुआशी इस्तेहसाल है, महंगाई और गुर्बत की चक्की में फंसी आवाम पर एक और जुल्म को खत्म किया जाए। पेट्रोलिंग पुलिस खैरपुर डाहा का नाका लगाकर लूट मार करने वालों के खिलाफ एहतजाज। खैरपुर डाहा का रहायशी जाम अलादिता जबीन ने कहा कि अहमदपुर शर किया जा रहा था, सी पैक पुल पेट्रोलिंग पुलिस खड़ी थी, मुझे रोक लिया और मेरी जामिया तलाशी ली और मोटरसाइकिल के कागजात चेक किए जो कि मेरे पास मौजूद थे। इसके बाद जावेद पुलिस मुलाजम ने मोटरसाइकिल को बंद कर दिया और पैसों का तकाजा किया और मुझसे रकम मुबल्लिक 1700 रुपए लेकर मोटरसाइकिल छोड़ दिया। हम चले गए। हमारी बाला अफसरान से गुजारिश है कि वजीर अला पंजाब और वजीर आजम से अपील है कि हमारे साथ इंसाफ करें और राशि पुलिस मुलाजमीन के कानूनी कार्रवाई अमल में लाए। आपको एक अहम खबर से आगाह करते चले, जहां खानेवाल में रिश्वत लेते हुए ऑफिसर को गिरफ्तार कर लिया गया। एंटी करप्शन खानेवाल की कार्रवाई, डिस्पेंसर डिस्ट्रिक्ट जेल खानेवाल वजाहत हुसैन को 4,000 रुपए रिश्वत लेते हुए गिरफ्तार कर लिया गया। एंटी करप्शन ने कार्रवाई सिविल जज ख्वाजा जिशान मुश्तबा की जेर निगरानी की। जेहलम मोजा चेक ईसा में बासर अफराद ने मर्द और खवातीन को घर ले जाकर तशद्दुद का निशाना बना डाला। जराए के मुताबिक बासर अफराद ने खवातीन के कपड़े फाड़ दिए। गरीब अफराद का DPO जेहलम से जुल्म करने वालों के खिलाफ कार्रवाई का मुतालबा। खबर शामिल करते हैं गुजरांवाला से, जहां इलाका थाना सदर वजीराबाद में कत्ल का मामला सामने आ गया। सिटी पुलिस ऑफिसर सरफराज अहमद फल्की का नोटिस। मजीद तफसीलात जानेंगे अपने नुमाइंदे अदील अमानत से। जी अदील, अपडेट कीजिएगा। जी बिल्कुल, गुजरांवाला इलाका थाना सदर वजीराबाद में कत्ल का मामला सामने आ गया। सिटी पुलिस सरफराज अहमद फल्की ने वाके का नोटिस ले लिया। SSP ऑपरेशन आगा खान रमजान और SP सदर का जाए वकूवे का मुआयना। मुजरिम अदनान ने दीना दुश्मनी की बुनियाद पर फायरिंग करके बिलाल को कत्ल कर दिया। पुलिस ने बार वक्त कार्रवाई करके मुजरिम अदनान को गिरफ्तार कर लिया। इसी हवाले से CPO सरफराज अहमद फल्की का कहना है कि दरिंदा से कातिल को कानून के मुताबिक सख्त सजा दिलवाएंगे। जी बहुत शुक्रिया दिल अमानत हमें तफसीलात से अपडेट करने का। खबर शामिल करते हैं पिंडी बटिया से, जहां फूड अथॉरिटी की नाकस दूध बेचने वालों के खिलाफ कार्रवाइयां जारी। पिंडी बटिया पंजाब फूड अथॉरिटी की नाकस दूध बेचने वालों के खिलाफ कार्रवाई। नाकस दूध सप्लाई करने वाले ट्रक को रोककर दूध चेक किया। दूध इंतहाई गैर मयारी होने के बायस 2,100 लीटर दूध तल्फ कर दिया गया। पंजाब फूड अथॉरिटी ने ट्रक ड्राइवर समेत दीगर लोगों को पुलिस के हवाले कर दिया। यहाँ पर वक्त हुआ कमर्शियल ब्रेक का, हमारे साथ रहिएगा। रग्स, यह पहचान गुजरांवाला की। मैं राना उमर स्टोर की ग्रोसरी पे आई हुई हूँ। ये एक बहुत ही अच्छा स्टोर है, यहाँ से तमाम जरूरत की अशिया मिल जाती हैं और मैं चाहूंगी कि इसकी और भी ब्रांचेज इंक्रीज हो। गुजरांवाला के लिए बहुत ही बेहतरीन है। क्या है कि सारी चीजें जो है की जो है डोर स्टेप में सारी चीजें मिल जाती हैं। रेट भी ठीक है, मुनासिब है मार्केट के हिसाब से।
तो अच्छा है कि एक जगह, लेकिन एक मजीद ब्रांचेज होनी चाहिए। शॉपिंग का मजा तो रानी उमर के स्टोर से ही आता है, क्योंकि यहाँ पर जो चीज़ों का मियार है वो पूरे शहर में उस तरह का मियार हमें नहीं मिलता। यहाँ पे हर चीज़ मिल जाती है और हम आपको भी मशवरा देते हैं कि आप यहाँ पे शॉपिंग के लिए आए। 15 सालों से हमारा राना उमर जनरल स्टोर के साथ ताल्लुक है और इनकी क्वालिटी और हर चीज़ में हमें सेटिस्फाइड रहते हैं और प्राइस अच्छे हैं इनके। मैं राना उमर के कस्टमर हूँ, मैं हर मंथ यहाँ से ग्रोसरी करती हूँ। बहुत ही अच्छा स्टोर है ये, यानी कि हर चीज़ यहाँ से अवेलेबल हमें होती है। हम जब भी आते हैं राना उमर जनरल स्टोर पर ही आते हैं। मैं दूसरों को भी कहूँगी, सबको कहूँगी कि राना उमर जनरल स्टोर पर ही आए, इधर सब कुछ मिल जाता है, ईजी भी रहता है, हमारे करीब है और बहुत अच्छी शॉपिंग है। और सबसे बड़ी बात ये, हर चीज़ यहाँ रीजनेबल है। गुज़िश्ता 27 साल से शहरियों के एतमाद ने साबित किया कि हम उनकी तवक्कुआत और ज़रूरतों को बेहतर जानते हैं। यहाँ पर मिलने वाली तमाम अशिया, मसलन सब्जी, दालें, चावल, घी, मसाला जात, ड्राई फ्रूट्स, हलवा जात, बेकरी, क्रॉकरी, कॉस्मेटिक्स, अंडरगारमेंट्स, खिलौने, स्टेशनरी, फ्रोजन फूड्स, मशरूबात और दीगर अशिया क्वालिटी और मयार के अतबार से अपना मुनफरद नाम रखती हैं और वो भी इतहाई मुनासिब बत के साथ। अभी अपने करीब स्टोर पर विजिट किए। राना उमर ग्रुप ऑफ सर्विसेज, मयार पर कोई समझौता नहीं।